पता नहीं दोस्तों दिवाली के 11 दिन बाद लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इतना शोर आ रहा था कि मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी का। पूरे दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई और बाहर से इतना शोर आ रहा है कि मेरी भी आवाज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। हस्बैंड आ चुके हैं इसलिए उनके साथ जा रही हूँ। हो सकता है कि बाहर मैं डिनर भी करूँ, जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं बाहर आपसे बात ना कर पाऊँ लेकिन वॉइस ओवर तो देती ही हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ फकीर बन के। और परसों है मेरी, मतलब 25 को है मेरी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर हल्के में क्यों जा रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करती, बाहर से बहुत शोर आ रहा है। इससे ज्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकती थी और निकल गई हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए। हस्बैंड बोल रहे थे बाहर बहुत भीड़ भड़क्का होगा, पता नहीं निकलने की जगह मिले कि ना मिले, वरना बोला वैसा भी नहीं है, जाना बहुत जरूरी है, तैयारी करनी है, कोई आने वाला है। और आप देख सकते हो ये जो लाइट जल रही है लुपदुप लुपदुप, यही है वो जिसने माहौल बहुत भड़कीला बना रखा है। तो मेरी लैंडलॉर्ड वाली दीदी ने सर्दियों का पूरा इंतजाम कर दिया है, मतलब ठंडियों में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको लगा दिया है। अभी उगेंगे, बढ़िया बढ़िया फूल खिलेंगे। और क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत दूर पार्क की जाती है इसलिए हस्बैंड लेके आ रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठ गई और आज पहली बार दिवाली के बाद मैंने इन घरों को देखा है बड़ी सामने से, क्लोजली। दूर दूर से रिकॉर्ड किया करती थी, इनकी ब्यूटी नहीं आ पाती थी, और आज देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल दुल्हन की तरह सज गए हैं घर। जरा देखो तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है घर। हालांकि मुझे भी ऐसे सिंपल लाइटिंग बहुत पसंद है, शादी से पहले मैं ऐसे ही करती। और ये वाली लाइटिंग जो आप देख रहे हो ये तो मुझे बिल्कुल वीडियो गेम जैसी लगती है। और दोस्तों ग्रोसरी स्टोर में शॉपकीपर ने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी, आधा सामान कार्ट में डाल लेने के बाद मुझे वो मना करने लगा कि आप और नहीं खरीद सकते क्योंकि मुझे शादी में जाना। दोस्तों ऐसा कहाँ होता है, फालतू में दुकान खोल के बैठे थे, पहले तो मना नहीं कर पाया, उसके बाद जब मैं शॉपिंग करने में मन लगा लिया तब मुझे मना करने लगा। दोस्तों मैंने तो सुना है कि कस्टमर भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप नहीं तो इज्जतदार औरत का रूप तो समझ सकता था। खैर मुझे कौन सी कमी है, मैं चली गई दूसरे ग्रोसरी स्टोर में और वहाँ तो इतना सामान था, इतनी वैरायटी थी कि मैंने सोचा सही हुआ जो हुआ। खैर बहुत देर की शॉपिंग करने के बाद मेरे पैर दर्द होने लगे, मैंने तो कह दिया हस्बैंड से मैं घर जाके खाना नहीं बनाऊंगी। हस्बैंड ने कहा तुम्हें तो बहाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं मुझे भी भूख लगी, चलो चलते हैं कहीं से खा के आते हैं। सच कहूं दोस्तों तो बाहर का खाना मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे तो अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है। वैसे तो रिमोट एरिया में क्या ही रेस्टोरेंट होते हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, काम चलाने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया कुछ। दोस्तों लोग अभी भी कैसे ताजुब कर सकते हैं अगर कोई फोन में रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब मुझे ताजुब होता है। मैंने ऑर्डर किया था मंचाओ सूप, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, लेकिन ये तो मीठा निकला। दोस्तों मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, डेजर्ट में पसंद है लेकिन नमकीन चीज को मीठा करके, लेकिन मसाला पापड़ तो बहुत ही यम्मी था। मेन कोर्स में मैंने ऑर्डर किया था छोले भटूरे और हस्बैंड ने किया था कढ़ाई पनीर और नान। मुझे तो पहले ही शक था कि हस्बैंड का खाना कहीं गड़बड़ ना आए, लेकिन मेरा छोला भटूरा कौन सा बड़ा अच्छा आया था दोस्तों, खट्टा नहीं था। और दोस्तों ढूंढ के बताओ मेरे सामने कहाँ पर ट्रेन खड़ी है, अगर ढूंढ लिया तो एक रुपया। और खाते खाते मेरी नजर पड़ी इस पंखे पे जिसके जस्ट सामने लाइट लगी हुई है और वो नाच रही है। बाकी सारा खाना जैसा भी हो लेकिन लास्ट में जो ये पापड़ी चाट आई थी ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थी दोस्तों, मैं तो पूरा खा रही। हस्बैंड ने मुझे बहुत सख्ती से बोला था कि घर जाके मुझे चाय बना के पिलाना, चाय नहीं मार्वल। हस्बैंड तो चाय के दीवाने होने लगे हैं, सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ चाय पीते हैं। खैर अच्छी बात है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।